Good morning, class 7. Today we are going to start the next chapter of your book, that is exponents. And last chapter we completed in our previous video, and today we are going to start the new chapter, lesson number 4, exponents. Okay, so what is exponents? Exponents. Okay, now in the previous class you already know what is exponent. So if we multiply a number by itself, agar hum kisi bhi number ko apne aap mein bar bar same number ko multiply karte hain several times, so it can be written in a short form called exponent. Jaise agar hum koi number likh rahe hain 2 into 2 into 2 into 2, yani ki 2 ki power kitni hogi, 1 2 3 4, to ye jo form hai, this is known as exponents. Samajh mein aaya? If we multiply a number by itself several times, अगर कोई भी number, वो ही same number, ऐसे नहीं कि 2 into 3 करेंगे, तब ये exponent नहीं होगा, ठीक है? अगर उसी number को, same number को बहुत बार, several times आप multiply करते हैं, तो it can be written in a short form, जिसको आप short form में लिख सकते हैं. देखिए 2 बहुत बार लिखा है, तो 2 की बार 4 हो गया. यानी कि जब किसी भी number को आप short form में लिखते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? Exponential या power notation बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी लिखा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 जो आपका नीचे लिखा गया है नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस. और जो उसकी पावर ऊपर लिखा गया है, इसको आप कहेंगे एक्सपोनेंट. इसको आप क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स. गॉट इट? किसी भी नंबर आपने लिखा, उस नंबर की जो भी आप ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको आप एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं, और जो नीचे नंबर है दैट इज नोन एज बेस, उसे हम क्या कहते हैं? बेस. ओके, सो व्हाट इज एक्सपोनेंट? व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट क्या होता है? कोई भी नंबर, जैसे ए, अगर हमने लिखा ए की पावर हमने एन लिखा, तो नंबर ए जो है, नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस. एंड एन इज कॉल्ड दी एक्सपोनेंट, उसको आप क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट कह सकते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे करके रीड करेंगे? ए रेज टू द पावर एन. जैसे 2 की पावर 4 है, तो इसको कैसे करके रीड करेंगे? 2 लिखेंगे, 2 रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द पावर 4. जैसे ए की पावर 3 है, तो ए रेज्ड टू द पावर 3. Got it? So exponential or power notation क्या होता है? If we multiply a number by itself several times, then we can write the number in the short form. उसे short form में हम लिखते हैं उस number को, उसी short form को आप दूसरे शब्दों में exponential कहते हैं. Got it? और अगर हमने जैसे कोई भी number लिया, उसकी power लगाया, तो जैसे 2 raised to the power 4 means 2 जो है वो क्या हो जाएगा? आपका base. और 4 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट और पावर्स होगा. ऑन दिस बेसिस वी विल डू द एक्सरसाइज 4A. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल पावर. मींस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मींस ये जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर के फॉर्म में लिखना है. गॉट इट? नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 upon 4 multiply 3 upon 4 multiply 3 upon 4 multiply 3 upon 4 multiply 3 upon 4. Now look at the question. Now 3 upon 4, how many times 3 upon 4? Right, 1 2 3 4 5. Yani ki 3 upon 4 ki power kitni ho jayegi? 5. Jo number jitni baar likha jayega uski power utni chali jayegi. Jaise isi ka second part, 4 upon 7 4 upon 7 4 upon 7 4 upon 7. मीन्स अब आप चेक करेंगे, देखिए 4 upon 7 नंबर ही रिपीट हो रहा है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4. तो इसकी पावर कितनी चली जाएगी? 4. ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, -2 upon 5 multiplied by 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 -2 upon 5. तो देखिए -2 upon 5 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए -2 upon 5 लिखेंगे और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6. तो कितनी बार है ये नंबर? 6. तो इसलिए इसकी पावर कितनी चली जाएगी? 6. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q. आपको क्या करना है? इसमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है. गॉट इट? अब देखिए,
फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/5 की पावर 2 लिखा हुआ है. अब देखिए p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है. देखिए इसकी पावर 2 है, दैट मीन्स इस नंबर को आप कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स. तो इट विल बिकम 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. नाउ 3 से कितना होता है 9, 5 5 से कितना होता है 25. दिस इज योर आंसर. नाउ जैसे 2/9 की पावर कितना लिखे है 3, तो 2/9 की पावर कितनी लिखी है 3. तो उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार. तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 2/9, ठीक है. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 आएगा. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729. इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट. एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन. अब आपका ये जो नंबर दिया है इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है. गॉट इट. नाउ फर्स्ट इज 27/64, ठीक है. अब आप देखिए 27 का आप ले सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं. तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसी करके आप 64 का भी करेंगे. 2 3 जा 2 3 जा कितना होता है 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा. अब देखिए 3 3 3 तीन बार आ गया ना. अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आ गया, तो 2, ठीक है. तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों के पेयर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 2 जा 4, इसका एक पेयर बना लीजिए, 2 2 जा 4, एक पेयर 2 2 जा 4. तो 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, और 64 को भी अगर 3 में ही लिखना है क्योंकि इन दोनों की पावर सेम. अगर हम 2 की पावर लगाएंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3. इसलिए आप इसको ऐसे करके नहीं लिख सकते. ऊपर और नीचे दोनों की पावर कैसी होनी चाहिए, सेम, ठीक है. तो 64 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, 4 × 4 × 4 में, ठीक है. तो देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 3/4 की पावर कितनी हो गई, 3. गॉट इट. नाउ इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे. सेकेंड पार्ट इज 81/120 1. सो 81 देखिए 9 9 जा 81 और 9 1 जा. वैसे तो आप इसको 3 से भी कर सकते थे, लेकिन एज कंपेरिजन टू 121, देखो 121 11 11 11 जा 121 11 1 जा, आप इसको 3 से भी करते लेकिन तब इसकी पावर क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती. और डिनोमिनेटर जैसे 121 डिनोमिनेटर में है तो इसकी पावर क्या हो जाती, कम हो जाती. इसलिए हमेशा याद रखिएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आपको सर्च करना है जिनकी पावर कैसी होनी चाहिए, सेम. तो 81 कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, और 121 किसका होता है, 11 का. तो ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 × 9, और ये हो जाएगा 11 × 11, यानी कि 9/11 की पावर 2. गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ओके. नाउ 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 की पावर 2. चलिए 1/4 की पावर 3 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4. जिसकी पावर जितना लिखा रहता है उसको आप उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. गॉट इट. नाउ 4/3 की पावर कितनी लिखी है, 2. तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. अब देखिए 4 से 4 कैंसिल. ऊपर सिर्फ 1 बचेगा और नीचे देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इज योर आंसर. गॉट इट. नाउ सेकेंड पार्ट, -2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -5/4 की पावर 3, ठीक है. सो इसकी पावर कितनी है, 4 लिखी है. 4 टाइम्स -2/5 मल्टीप्लाइड -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5. अब इसकी पावर कितनी लिखी है, 3. अब इसको 3 टाइम्स लिखिए, ठीक है. अब देखिए 5 5 5, ये 3 5 इससे कैंसिल हो गए, ठीक है. नाउ 2 2 जा 4, ये फिर 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है. सो आपके पास ऊपर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सिर्फ एक सिंगल माइनस बचेगा, दैट इज -1/ आपके पास नीचे क्या लिखा है, 4 बचा है, और ये क्या नंबर बचा है, 5. तो 5 × 4, यानी 5 4 जा कितना होता है, 20 इज योर आंसर. गॉट इट. नाउ इसी का थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट है -3/7 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -7/9 की पावर
टू, ठीक है, माइनस थ्री अपॉन सेवन की पावर थ्री, मतलब माइनस थ्री अपॉन सेवन, माइनस थ्री अपॉन सेवन, माइनस थ्री अपॉन सेवन, और ये हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन नाइन, माइनस सेवन अपॉन नाइन, क्योंकि इसकी पावर टू है इसलिए आपने इसको टू टाइम्स लिखा। सेवन से सेवन ये टू टाइम्स कट गया, थ्री थ्री जा नाइन, फिर थ्री 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 कैंसिल और थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। तो आपके पास देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक सिंगल बच गया माइनस का वन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेवन बच गया, यहाँ पे थ्री बच गया, तो सेवन थ्री सा कितना होता है 21 इज योर आंसर, गॉट इट। इस ऐसे ही करके आप इसका सेवेंथ पार्ट भी देख सकते हैं। सेवेंथ पार्ट में क्या है, वन अपॉन टू की पावर फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन थ्री की पावर फोर प्लस माइनस वन अपॉन टू की पावर थ्री, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन टू की पावर फोर मीन्स वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड वन अपॉन टू वन अपॉन टू। अब डिवाइड की जगह पे क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, और ये वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उसके जस्ट साइड वाला। तो इट विल बिकम थ्री अपॉन वन अपॉन थ्री अपॉन वन, थ्री अपॉन वन और थ्री अपॉन वन, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर फोर है इसलिए हमने फोर टाइम्स लिखा, ठीक है, प्लस, और इसकी पावर कितनी है थ्री, तो इसको थ्री बार, माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन टू। अब आप देख सकते हैं ऊपर आपका नंबर है थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, और 27 थ्री ज़ा कितना होता है, 27 थ्री ज़ा होता है 81, आपने 81 लिखा। फिर टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा 16, प्लस, अब इसको करिए देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऊपर वन है और नीचे टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो 81 अपॉन 16 प्लस माइनस कितना होता है माइनस 1 अपॉन 8। अब 16 और 8 दोनों नंबर कह रहे हैं डिफरेंट, तो यू हैव टू टेक एलसीएम। 16 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, आपने यहाँ 16 लिखा। अब देखिए 16 के टेबल में 16 कब आता है, 1 का, तो यहाँ पे डायरेक्ट 81 माइनस, और 8 के टेबल में 16 कब आता है 2 का, तो 81 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 79 अपॉन 60, got it, this is your answer, ऐसे करके करना है आपको, ठीक है। इसी का नाइन्थ पार्ट देखेंगे, 12 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 की पावर 40 डिवाइडेड बाय 90। तो देखो 12 का स्क्वायर, 12 की पावर 2 मतलब 12 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 की पावर 3 मतलब 5 को कितनी टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन की पावर 40 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो 12 जा कितना होता है 144, माइनस 5 जा 25, और 25 फाइव जा कितना होता है 125, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन जो नंबर है वो कितनी बार लिखा है 40 टाइम्स का मतलब क्या है, ये नंबर आपका क्या है इवन, तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, लेकिन नंबर क्या है माइनस वन, इसलिए इसका आंसर कितना होगा माइनस वन डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। अब 144 को आप क्या करेंगे 125 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 19 मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन डिवाइडेड बाय 19, सो 19 से 19 कट जाएगा, सो माइनस वन इज योर आंसर, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मतलब आपको इसका उल्टा करना है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, 2 अपॉन 5 की पावर 4 है तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है माइनस 3 अपॉन 4 की पावर 3, अब इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 3 की पावर 3।